जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज रेवाड़ी दौरे पर आए थे। उन्होंने हाल ही में इनेलो और बसपा के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन केवल जनता को बरगलाने के लिए बनाया गया है, ये कोई गठबंधन नहीं बल्कि ये तो दोनों दलों की मजबूरी है। दोनों दलों ने अपना अपना अस्तित्व खत्म होता देख सोचा कि शायद एक होकर ही कुछ मिल जाए और इसी मजबूरी में गठबंधन किया गया है। ये तो देखो भैया मजबूरी का समझौता है, आपने पता दोनों का अस्तित्व खत्म हो रहा था तो एक दूसरे के साथ मिलकर हो सकता है कुछ तो प्रदेश में गर्मी के दिनों में आम जन को पानी की किल्लत ना हो उसके लिए भी मंत्री बनवारी लाल ने बताया कि गर्मियों के दिनों में नहरें कम आने के कारण पेयजल की किल्लत बढ़ जाती है, लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारियों से सर्वे कराकर ये सुनिश्चित किया है कि जिन क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत सामने आती है वहाँ टैंकरों से पेयजल आपूर्ति कराई जाए। ऐसा देखो आपको पता है गर्मियों के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और इरिगेशन डिपार्टमेंट से पानी हमें कम मिलता है तो इसके लिए हमें राशनिंग करनी पड़ती है। अगर फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो उससे टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाएगी। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों? बिल्कुल, पिछले 15 दिन पहले हमने सभी अधिकारियों को चीफ इंजीनियर्स को पूरे हरियाणा में भेजा था ताकि वो अपने सर्वे करें, जहां भी कोई दिक्कत है उसको पहले से ही कंट्रोल करें ताकि गर्मी में पानी की समस्या ना हो। जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल आज रेवाड़ी में अग्रवाल समाज की ओर से आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में शिरकत करने आए थे। उन्होंने शिविर में आए कुछ मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की, साथ ही उन्हें परामर्श भी दिया। अग्रवाल सभा द्वारा फ्री हेल्थ चेक कैंप लगाया गया, उसके लिए मैं अग्रवाल सभा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा पुनीत काम इन्होंने किया है तो मरीजों को इससे लाभ मिला। सत्य खबर के लिए संजय कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।